गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी सॉल्यूशंस विद सूर्य प्रकाश। टुडे इज अ ग्रेट डे। आज का एक और इम्पॉर्टेंट हम क्लास करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम की सीरीज में। अब हम जिसको कहते हैं ना खत्म करने की तरफ है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना समय गवाए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। डैट टॉपिक इज आवर क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया, अब नाम से ही हमें अब समझने की जरूरत है। हर एक में हमने कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर, द मेजर करेक्टरिस्टिक फीचर जरूर लिया है। अब जहां तक इसका करेक्टरिस्टिक फीचर की सवाल है, हम इस नाम को दो भागों में डिवाइड करते हैं। अगर हम इसे दो भागों में डिवाइड करें तो मींस एम्फी और दूसरा आता है बायोस। अब एम्फी मींस ड्यूअल एंड बायोस मींस लाइफ। तो जहां तक सवाल है कि इनका लाइफ जो है ना वो ड्यूअल लाइफ, ये दो तरह की लाइफ जीते हैं। अपना लाइफ साइकिल ये दो तरह के हैबिटेट में कंप्लीट करते हैं, पानी और जमीन, लैंड एंड वाटर। तो ये पहले एनिमल्स हैं जो बेसिकली लैंड पर आए देखा जाए तो, लेकिन पूरी तरह लैंड पर अडाप्टिव नहीं थे। उनको पानी की जरूरत थी, मॉइस्ट हैबिटेट की जरूरत थी। लेकिन अब इसके दो कारण थे, there are two reasons why they have amphi life or dual mode of life। ऐसा क्यों है? So, देखो, मैं यहां मेजर दो ही reasons मानता हूं कि दो reasons हो सकते हैं। और दो reasons क्या है वो? देखिए, पहला reason जो है ना वो ये है कि ये इनके पास tadpole like लार्वा, अंडरस्टूड? सो टेडपोल लाइक लार्वा और टेडपोल फिश लाइक लार्वा इनके पास प्रेजेंट है। तो फिशेस के करेक्टर्स है तो इसलिए पानी की जरूरत तो पड़ी पड़ी। ये लार्वल फॉर्म है। और दूसरी ये चीज कि इनके जो एग्स हैं, एग्स जो है बेसिकली वो एनएम्नियोट्स है। एनएम्नियोट्स यानी इनके ऊपर किसी भी तरह की प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट नहीं होती है ना। प्रोटेक्टिव लेयर जैसे यॉर्क सैक, एलेंटॉयस, कोरियन, एम्नियन, इस तरह की कोई भी प्रोटेक्टिव एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स, एम्ब्रियोनिक लेयर्स नहीं होती हैं। सो इनके पास, इन्हें हम कहते हैं एनएम्नियोट्स। तो इनके एग्स जो हैं बेसिकली इनके ऊपर क्या है, देयर इज अ जेली लाइक वाटर कवरिंग। तो वाटर क्या है, वाटर फॉर्म्स जेली लाइक कवरिंग, लाइक कवर। तो ये बेसिकली प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, ये इसको प्रोटेक्शन देता है। तो मुझे लगता है कि ये दो कारण एनफ है इनके, इनको ये एम्फीबिया कहलाने के लिए कि इनका ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ है। तो पहला कारण देखिए, हमने कहा कि फिश लाइक लार्वा है जिसे टेडपोल कहते हैं, या टेडपोल लाइक लार्वा है जिसके पास नेचुरली गिल्स है, टेल है। अब उसके बाद दूसरी चीज एग्स, जिनके पास किसी भी तरह की प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, लेकिन लेकिन उनके पास वाटर जो है वो वाटर एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, वो जेली लाइक कवरिंग को हमें बनाता है। तो इसीलिए ये दो रीजंस है जिसकी वजह से इसको एम्फीबिया कहा गया, और इसीलिए ये फुली अडॉप्टिव नहीं थे। अब चलिए हम बात करते हैं कि इनके करेक्टर्स की बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है। तो द करेक्टर्स आर एस, सो लेट अस टेक करेक्टर्स। तो देखिए, करेक्टर्स में हम बिल्कुल पॉइंट वाइज लेंगे ताकि पॉइंट वाइज से थोड़ा सा ना इजी हो जाता है। देखिए, पॉइंट वाइज में सबसे पहला जो करैक्टर आता है वो है हैबिटेट। देखिए, अब हैबिटेट, हमने एक हैबिटेट तो हमें पता है कि पानी पे भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, लेकिन यहां ये याद रहेगा कि कहीं भी ये मैरीन वाटर में नहीं है, फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर हैबिटेट है, लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स, ये वहां पाए जाते हैं। इवन मॉइस्ट सरफेस पे भी पाए जाएंगे, जहां पर भी मॉइस्ट सरफेस होगा, और इवन लैंड पर भी होंगे, टेरेस्ट्रियल भी होंगे। तो इनका देखिए हैबिटेट जो है मोस्टली आपको फ्रेश वाटर ही मिलेगा, लैंड पर भी मिलेगा, मॉइस्ट जहां पर भी गीली थोड़ी सी भी जगह होगी वहां पर ये एम्फीबियंस आपको पाए जाएंगे। इसके बाद दूसरी चीज हम करते हैं कि इनकी बॉडी फॉर्म कैसी है। देखिए, बॉडी फॉर्म किस तरह से है, अब देखिए बॉडी फॉर्म की मैं बात करता हूं। अगर आप इसमें बॉडी फॉर्म देखें ना तो इट इज ऑफ वेरियसली शेप्ड, अलग अलग शेप्स है। तो एक कॉमन जो हम अगर हम एम्फीबिया ले तो वो है फ्रॉग, है ना।
अगर जब हम फ्रॉग की बात करते हैं ना, तो देखो फ्रॉग में आपको हेड मिलेगा और थॉरेक्स मिलेगा। ये देखिए हेड मिलेगा और थॉरेक्स। मैंने हल्का सा मैं ट्राई मारता हूं कि किस तरह से इसको बनाया जाए, तो थोड़ा सा मैं ट्राई मारने की कोशिश कर रहा हूं कि इसी तरह से शायद फ्रॉग थोड़ा सा ये बन गया। शायद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो जितना जल्दी हो सके हम इसको चलिए ये बन गया। बहुत बढ़िया, आखिरकार फ्रॉग जैसा लग ही रहा है ना, थोड़ा सा फ्रॉग जैसा लग ही रहा है। तो इसमें ये इसकी आईज आ गई, ये यहाँ एक आईज है, ठीक है। यहाँ पर इसके एक्सटर्नल नेरिस होते हैं और यहाँ पर इनके इस थॉरेक्स रीजन में, यहाँ पर थॉरेक्स रीजन के पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगा टिम्पैना, यहाँ प्रेजेंट होता है। तो देयर इज लेटर लाइन ऑल्सो, ये लेटर लाइन सेंसेस ऐसे ले लेते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्लोका इज ऑल्सो प्रेजेंट, क्लोका भी होगा। एंड देन ये लिम्स दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पॉट्स भी होंगे। ये चलिए स्पॉट्स भी दो चार बना ही देते हैं जल्दी जल्दी, ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, है ना। तो थोड़ा सा हमें इसका आइडिया हो जाएगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो एक फ्रॉग की एग्जांपल को ले लेते हैं। सो चलिए स्पॉट्स बन गए, काफी स्पॉट्स बन गए हैं, है ना। और यहाँ स्केल्स जैसे ये डर्मा, ये हमारे देखो जहां तक अब इसकी बॉडी का सवाल है, हम ध्यान से देख रहे हैं, मैंने जल्दी से ड्रॉ कर दिया, ज्यादा टाइम नहीं लगाया। देखो बॉडीज ऑफ वेरियस शब्द, अगर हम एम्फीबियंस की एग्जांपल्स की बात करें ना, तो वहां पर आपको वेरियस शेप्स के एम्फीबियंस मिलेंगे। हम एंड में एग्जांपल्स की बात करेंगे, लेकिन हम कॉमन एग्जाम्पल अभी फ्रॉग जो हमारे दिमाग में ही आता है। अब देखो यहाँ क्या है कि बॉडी अगर आप देखें तो बॉडी के पास क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ हेड, है ना। हेड है इसके पास एंड ट्रंक पोर्शन है। ट्रंक में इसका थॉरेक्स भी आ रहा है, अबडोमन भी आ रहा है ना, सॉरी दोनों चीजें आ रही है। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ये जो नेक है, नेक एंड टेल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ऐसा भी हो सकता है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, हेड और ट्रंक बेसिकली इसमें होता है। और अगर नेक और टेल की बात की जाए, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो सिंपल सी बात है। अब जैसे सेलेमेंडर है, उसमें टेल होती है ना, तो नेक भी होती है। तो वहां हम अगर देखा जाए तो वहां अलग चीज है। अगर हम लिम्बलेस एम्फीबियंस की बात करें तो वहां नहीं है, वहां हेड एंड ट्रंक है, सीधी बात है, लंबी टेल है। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग आपको बॉडी फॉर्म्स मिलेंगे। अब हम आगे बात करते हैं, जब हम आगे बात करेंगे तो आगे चलिए हम चलते हैं अब किसके पास, द थर्ड पॉइंट, अपेंडेजेस की बात कर लेते हैं। देखो अपेंडेजेस की बात करते हैं, तो जब हम अपेंडेजेस की यहां बात कर रहे हैं, तो फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स वो तो है ही है, फोर लिम्स भी है एंड हाइंड लिम्स आर प्रेजेंट, आपको जैसे दिखाई दे रही है। देखिए दीज आर हाइंड लिम्स और यहां पर देखें तो दीज आर फोर लिम्स। अब फ्रॉक्स की जब तक हम बात करते हैं ना, तो फ्रॉक्स में अगर देखा जाए तो देखिए ये जो हाइंड लिम्स होती हैं, दे आर लॉन्गर देन द फोर लिम्स, क्योंकि इसे लीप करना होता है, हॉप करना होता है, जंप मारना होता है, तो पिछली टांगे इसकी लंबी होती हैं अगली से। सो हाइंड लिम्स आर लॉन्गर देन द फोर लिम्स। लेकिन अगर हम सेलेमेंडर की बात करें, सेलेमेंडर में क्या है कि जो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स हैं वो बराबर होती हैं। तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं कि अगर सेलेमेंडर की बात करें, देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है सेलेमेंडर में, फोर लिम्स इक्वल टू हाइंड लिम्स,
और कुछ ऐसे एम्फीबियंस हैं जैसे ऑटर टिपनोई के सिकेलियंस आते हैं, तो सिकेलियंस में क्या है, सिकेलियंस क्या है, देयर आर नो लिम्स, दे आर लिम्बलेस, जिन्हें हम कहते हैं लिम्बलेस एम्फीबियंस। तो ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये, तो ये चीजें ध्यान में रखिए। सो अपेंडेजेस जो हैं यहां पर आपको प्रेजेंट है, फोर लिम्स है, हाइंड लिम्स है, अंडरस्टूड। और ये हमें, हमने जैसे कहा कि फ्रॉग्स में पिछले पांव जो है लंबे हैं, पिछले लिम्स लंबे होते हैं, सेलमेंडार में फोर लिम्स इज इक्वल टू हाइंड लिम्स। और अगर हम डिप्नोई ऑर्डर की बात करें जिसमें सिकिलियंस आते हैं, जैसे इक्टियोफिस है, बेसिकली इक्टियोफिस आता है विच इज बेसिकली स्नेक की तरह दिखाई देता है, लिम्बलेस एम्फीबियन होता है ना, अपने एग्स की बड़ी अच्छी तरह से केयर करता है, पेरेंटल केयर उसमें बहुत अच्छी पाई जाती है। तो ये अगर आप इस डायग्रामेटिक व्यू से देखें तो ये पहले तीन करेक्टर तो हमें क्लियर हो गए हैं। अब आगे की चलते हैं बात, डायग्राम को रहने देते हैं, ऊपर मिटा लेते हैं, अब थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं। अब जहां तक इसके स्किन की बात की जाती है, चलिए इसके स्किन की बात कर लेते हैं फ्रॉग्स के। जब हम स्किन की बात करते हैं ना, तो स्किन देखिए क्या है, इसकी बड़ी ही स्मूथ होती है। स्किन कैसी है, स्मूथ है, एपिडर्मल लेयर है, स्मूथ है एंड विद विद म्यूकस ग्लैंड्स है, म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। और दूसरी चीज यहां एक और, किसी भी तरह के स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, नो स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द स्किन, नो स्केल्स इन एनी ऑफ द एम्फीबियन, किसी में भी ऐसा नहीं होता है। तो देखिए जैसे हमने फिशेज अब पीछे की, तो स्केल्स तो प्रेजेंट थे, किसी में प्लेकोइड थे, किसी में साइक्लॉइड थे, गेनॉइड थे, टीनॉइड थे, हमने पढ़ा, लेकिन यहां ऐसा कोई भी स्केल प्रेजेंट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम एंडोस्केल्टन पे, जहां अब बात करते हैं कि यहां एंडोस्केल्टन जो है वो बोनी भी हो सकता है और कार्टिलेजिनियस भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर बोनी है, एंडोस्केल्टन कैसा है, बोनी और कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस दोनों तरह से हो सकता है। अब नोटोकॉर्ड जो है यहां पर वो पूरी तरह से, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड, वो किस में रिप्लेस हो गई है, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो चुकी है, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो चुकी है। और यहां पर वर्टिब्रल कॉलम में एक पहली वर्टिब्रा जिसे हम कहते हैं एटलस, वो अपियर हो चुकी है, इट हैज बीन अपियर्ड। और एटलस हम जानते हैं कि नेक मूवमेंट में हेल्प करती है ना, नेक मूवमेंट में, अब इनकी आप जानते हैं कि ये है अपनी स्लाइट नेक मूवमेंट करते हैं, सो नेक मूवमेंट जो है वो इस एटलस की वजह से है, इट हैज बीन अपियर्ड। एंड अनदर थिंग इज, जैसे हमें सेक्रम में फोर और फाइव फ्यूज्ड बोन्स होती है, लेकिन यहां क्या है, सेक्रम इज सिंगल, सेक्रम इज सिंगल होती है, वो सिंगल है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके पॉइंट में। दूसरी चीज यहां पर स्कल, जब हम स्कल की बात करते हैं तो हमारी स्कल क्या होती है, इट इज ऑल्सो डाइकोंडोलिक, और इनमें भी क्या है, स्कल इज डाइकोंडोलिक। डाइकोंडोलिक का मतलब क्या है, डाइकोंडोलिक का मतलब है कि इनके पास, इनकी स्कल जो ऑक्सीपिटल रीजन है, ये जो पीछे होता है यहां नीचे की तरफ, ऑक्सीपिटल रीजन के नीचे नीचे क्या है कि वहां पर दो सेमी सर्कुलर रिजेस आपको दिखाई देंगे, एंड दो सेमी सर्कुलर रिजेस आर नोन एज टू, दीज आर टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। और ये बेसिकली किस में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द स्कल विद द वर्टिब्रल कॉलम, स्कल का वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ना जो है ना वो इंश्योर कर देते हैं। सो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से दो इस तरह से सेमी सर्कुलर रिज होते हैं, और इसके और उनके बीच में स्पेस होती है, और जहां पर वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल पूरी तरह से इन कॉन्डाइल की मदद से बिल्कुल फिट हो जाती है। सो देयर हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ, हम सिंपल कह सकते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम विद द स्कल। सो दीज आर टू सेमी सर्कुलर रिजेस प्रेजेंट इन द ऑक्सीपिटल रीजन बिलो, एंड दे आर टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, एंड दोज टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, दैट इज वाई द स्कल इज डाइकोंडलिक।
सो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। चलिए अब बात करते हैं एंडोस्केलेटन के बाद, हम चल पड़ते हैं आगे, आगे की बात। अब एंडोस्केलेटन के बाद आज आपके आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है कि हमें यहां देखिए माउथ तो है ही, माउथ है, और माउथ के पास क्या है अगर आप देखो तो माउथ के पास, माउथ कंसिस्ट ऑफ टीथ, शार्प रेजर शीट होते हैं इसके, और टीथ कैसे हैं, टीथ आर एक्रोडोंट, एक्रोडोंट है, पॉलीफायरोडोंट है, पॉलीफायरोडोंट एंड होमोडोंट, होमोडोंट। अब देखो इन इन टर्म्स का मतलब क्या है, इन टर्म्स का क्या मतलब है। देखो एक्रोडोंट टीथ, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि देखो दो तरह के टीथ होते हैं, एक थीकोडोंट और एक एक्रोडोंट। अब थीकोडोंट टीथ क्या होते हैं कि अगर हमारे जैसे वी पीपल हैव द मैमल्स, दे हैव द जॉज, जॉज के बीच में सॉकेट्स होते हैं, सॉकेट के बीच में ये टीथ, 90% टीथ इसकी बीच में ही होता है, ये पीछे जैसे दिखाई दे रहा है, और बाहर से हमें ये सिर्फ इतना ही टीथ दिखाई देता है ना, ये टीथ दिखाई दे रहा है ना, क्लियर है ना। अब ये होता है थीकोडोंट टीथ, द टीथ आर प्रेजेंट इन द सॉकेट। और एक्रोडोंट टीथ क्या होता है, द टीथ इज प्रेजेंट डायरेक्टली ऑन द जॉ, इट इज अटैच्ड, किसी सॉकेट की जरूरत नहीं होती, यहां बस अटैच होता है। और अब होता क्या है हमें कि हमें डायफायरोडोंट टीथ होते हैं, लाइफ में दो बार आते हैं, लेकिन पॉलीफायरोडोंट टीथ क्या कि जितनी बार टूटेंगे उतनी बार आ जाएंगे, है ना, जितनी बार टूटेंगे उतनी बार आ जाएंगे, तो रिपीटेड मोर देन ट्वाइस, लाइफ टाइम में जितनी बार भी टूटेंगे उतनी बार अगर आ जाते हैं, दे अपीयर अगेन एंड अगेन, दैट इज नोन, सच टीथ आर नोन एज पॉलीफायरोडोंट। और तीसरी चीज आती है होमोडोंट और हेटरोडोंट, जैसे हमारे दांत हेटरोडोंट है, हेटरोडोंट मींस अलग अलग है, इंसाइजर्स, कैलाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, है ना, दो सेट परमानेंट टेम्परेरी सेट होते हैं, लेकिन यहां देखो क्या है, होमोडोंट यानी एक जैसे टीथ है, एक ही जैसे, तो ये ध्यान देने की बात है, यहां टीथ की कोई वैरायटी नहीं है, देयर आर सिंगल, अगर कोई केनाइन है तो सारे केनाइंस ही है, कोई इंसीजर है तो सारे इंसीजर्स ही है। तो इनके टीथ जो होते हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो दे आर एक्रोडोंट टीथ है, पॉलीफायरोडोंट यानी लाइफ में अगेन अगेन अपीयर होते हैं और एक जैसे हैं। अब यहां पर एक और चीज कि यहां हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिल जाती है, वो है प्रोट्रूसिबल टंग। देखिए प्रोट्रूसिबल टंग क्या है, ट्रू प्रोट्रूसिबल टंग मैं कहूंगा, इट इज ट्रू प्रोट्रूसिबल टंग। ट्रू प्रोट्रूसिबल टंग का मतलब है कि अगर हमारी टंग को देखा जाए तो इट इज इंटीरियरली फ्री एंड पोस्टीरियरली अटैच्ड, पीछे से अटैच होती है, सो हम कह सकते हैं स्लाइटली प्रोट्रूसिबल है ना, थोड़ी सी मूव करती है तभी तो बोल पाते हैं, अगर हम मूव नहीं करें तो बोलेंगे कैसे। लेकिन अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनकी टंग क्या होती है, आगे से जुड़ी होती है, एंटीरियरली इट इज अटैच्ड एंड पोस्टीरियरली इट इज फ्री एंड फोल्डेड, ये इस तरह से होती है, और जब भी इसको किसी भी इंसेक्ट को पकड़ना है तो ये इस तरह से पकड़ लेगी, इस तरह से खोलेगी इंसेक्ट को अपने इस म्यूकस, यहां पे बहुत स्टिकी होगा, चिपकेगा और फोल्ड करके अंदर मुंह के अंदर दोबारा से ले जाएगी। और टीथ जो है इनके टीथ टीयरिंग नहीं होते, देखो टंग जो है उसने इंसेक्ट को पकड़ा, चिपकाया, चिपकाने के बाद वो अंदर अपने मुंह में ले गया, ठीक है। अब टीथ से जब वो पकड़ते हैं तो उनके ऊपर वाले टीथ ही, खासतौर पे फ्रॉग्स में तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसी में टीथ होते हैं, सो वहां पर क्या है, वहां से वो सिर्फ पकड़ता है और अंदर निकलने का काम करता है, वो सिर्फ कैचिंग ऑफ द प्रे, और कोई टीयरिंग में काम नहीं आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर प्रोट्रूसिबल टंग भी यहां प्लेस है। और यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लोका इज प्रेजेंट, क्लोका इज प्रेजेंट, और कहा है ये देखिए, ये हमें क्लोका, एनस की जगह क्लोका प्रेजेंट है ना, एक कॉमन चैम्बर है, डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव
का हमारा एक तीनों सिस्टम का एक कॉमन चैम्बर होता है, एंड दैट कॉमन चैम्बर इज द क्लोकल चैम्बर. और क्लोकल चैम्बर ओपन्स टू ए अपर्चर विच इज नोन एज क्लोकल अपर्चर और क्लोका. तो ये हमें दिखाई दे रहा है, क्लोका दिखाई दे रहा है. क्लियर है आई थिंक, डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर है. अब इसके बाद चलते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे. तो देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है कि यहां पर, अब अगर हमने पहले ही कहें कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वल फॉर्म्स होती हैं, तो फिश लाइक लार्वा है. तो फिश लाइक लार्वा का मतलब क्या हुआ कि अगर एक्वेटिक फॉर्म्स है, एक्वेटिक लार्वा है, तो वो गिल से रेस्पायर करेगा. लेकिन अगर टेरेस्ट्रियल लैंड फॉर्म है, टेरेस्ट्रियल एडल्ट फॉर्म है, तो वो उसके गिल्स किस पे चेंज हो जाएंगे, लंग्स में चेंज हो जाएंगे. तो देखिए यहां दो रेस्पिरेटरी मेन ऑर्गन डालते हैं, लार्वल फॉर्म में गिल्स होती हैं और एडल्ट फॉर्म में लंग्स होते हैं. लेकिन देयर आर टू डिफरेंट बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग. देखो ये भी बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग जो है ये भी रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, हमारे बक्कल और फेरेंक्स के बीच की जो लाइनिंग है. और इसके अलावा स्किन विद इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ये भी रेस्पिरेशन में हेल्प करती है. तो देखो यहां पर आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गेनलीज क्लियर है. तो ये एम्फीबियंस की अगर देखा जाए तो मेजर दो ही हैं, गिल्स एंड लंग्स, लेकिन बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग एंड स्किन ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. देन उसके बाद हम चल पड़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास आ जाती हैं पेयर ऑफ ऑपिस्थोनेफ्रिक किडनी और मीजोनेफ्रिक किडनी. चलिए तो एक्सक्रीशन किससे होती है, एक्सक्रीशन बाय मीजोनेफ्रिक किडनीज, मीजोनेफ्रिक किडनीज. और जब हम बात कर वेस्ट प्रोडक्ट्स की, तो वेस्ट के यहां पर अगर एक्वेटिक लार्वल फॉर्म है ना, लार्वल फॉर्म है, तो वो क्या करेगा, अमोनिया सेक्रीट करेगा. और अगर टेरेस्ट्रियल लैंड फॉर्म है तो वो क्या सेक्रीट करेगा, यूरिया. तो यहां देखिए अमोनिया एंड यूरिया आर द वेस्ट. एंड इवन अगर हम डेजर्ट एम्फीबियंस की बात करें, देखिए देयर आर सर्टेन एम्फीबियंस नोन एज डेजर्ट, जो डेजर्ट्स में रहते हैं, सो डेजर्ट्स एम्फीबियंस दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड. तो आप देखा जाए तो तीनों तरह के वेस्ट यहां सेक्रीट होते हैं, तीनों तरह के वेस्ट, यूरिया भी होता है, मेजरली यूरिया ही होगा. और अगर पानी वाला एटमॉस्फेयर आ जाएगा, पानी में अगर लाइफ चल रही है, दैट गिव्स आउट अमोनिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. और अगर डेजर्ट्स हैं, जैसे डेजर्ट फ्रॉग्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे बेसिकली एक्सक्रीट यूरिक एसिड बिकॉज दे हैव टू कंजर्व द वाटर. सिंपल सा फंडा है, तो कोई ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है. चलिए आगे चलते हैं. देन हमारे पास आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम. तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात कर लेते हैं. यहाँ हार्ट जो है अब थोड़ा सा मैच्योर हो चुका है, इसके चैम्बर्स बढ़ चुके हैं. और चैम्बर्स क्या बढ़ चुके हैं कि यहां पर अब थ्री चैम्बर्ड हार्ट आ चुका है. और थ्री चैम्बर्ड हार्ट की अगर बात करें तो दो ऑरिकल्स है प्लस एक वेंट्रिकल है, एक वेंट्रिकल आ चुका है. इसके साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्सेसरी चैम्बर्स लाइक साइनस वेनोसस, ये तो है ही है, हमने पहले भी देखा ये डेवलप हो चुका है, एंड कॉर्नस आर्ट्रियोसस ये भी डेवलप हो चुका है, बिल्कुल एक्सेसरी चैम्बर्स है. और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहां पर एक सिस्टम डेवलप हो चुका है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम. हिपेटिक पोर्टल सिस्टम यहां हाईली डेवलप्ड है, सिस्टम डेवलप्ड हो चुका है. तो देखो एक चीज तो हमें यहां क्लियर हो गई कि अब यहां जो चीजें हैं अब आगे बदलने वाली है, क्योंकि अब हम मैमल्स की तरफ ही जा रहे हैं ना. तो बड़ा सिंपल सा पार्ट है कि रीडल पोर्टल सिस्टम जो है वो भी डेवलप हो चुका है. और मैंने लास्ट टाइम भी पोर्टल सिस्टम की बात की थी
कि बिफोर गोइंग टू द हार्ट द ब्लड मूव्स फ्रॉम वन ऑर्गनल टू अनदर ऑर्गनल, है ना। हार्ट से जाने से पहले वो जहां से निकलता है वहां उसको हार्ट में जाना है, वो हार्ट में नहीं जाता, वो पहले कहीं और जाता है। वो क्यों जाता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम करेंगे आगे। तो वो सिस्टम जो है वो बेसिकली हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, उसे पोर्टल सिस्टम कहते हैं। सो यहां पर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। देन उसके बाद अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स देखिए एबंडेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, और जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज जो हैं वो कैसे हैं, ओवल हैं, बाइकन्वेक्स हैं एंड न्यूक्लिएटेड है। तो देखिए तीनों पॉइंट्स आपको यहां याद रखने हैं, हर एक चीज का बहुत बहुत बेनिफिट है। ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, तो हमें याद तो करना है, इसीलिए पढ़ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। देन अगर हम अब चलते हैं सेंसरी ऑर्गन्स की तरफ और सेंसरी सिस्टम की तरफ। देखिए सेंसरी सिस्टम में अगर हम देखें ना, तो देखो मैं यहां साथ साथ लेबल करते जाता हूं। ये एक्सटर्नल नेरिस, ये प्रेजेंट है, और ये नेरिस जो है, नेरिस एक्सटर्नल नेरिस आर कनेक्टेड विद इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नेयर्स के साथ ये कनेक्टेड है थ्रू द फेरेंक्स, फेरेंक्स में खुल रहे हैं और नेयर्स के साथ कनेक्टेड है। ऑल्फैक्टरी सैक्स वेल डेवलप्ड है, ऑल्फैक्टरी सैक्स सूंघने की शक्ति इनकी बहुत अच्छी है, अच्छा है सिस्टम। लेटरल आइन सेंसेस वेल डेवलप्ड, लेटरल आइन सेंसेस भी वेल डेवलप्ड है। तो ये यहां लेट अस लेबल विद ग्रीन, ये लेटरल आइन सेंसेस, लेटरल आइन जो है सेंसेस, दे कैन सेंस इट्स सराउंडिंग्स वेरी इजीली। इनके पास मिडल ईयर प्रेजेंट है ना, इनके पास क्या है, देखिए मैं यहां इसको रेड से करते हैं हम, मिडल ईयर, मिडल ईयर सॉफ्ट। अब इसके पास क्या है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मिडल ईयर के पास क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, और वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, कॉलुमेला, इट इज नोन एज कॉलुमेला। ये रॉड रॉड जैसी है, जैसे ये मान लेते हैं, ये एक रॉड जैसी स्ट्रक्चर है जो एक साइड से क्या है कि वो इस तरह से टिम्पेनम पर्दा जो है उसके साथ कनेक्टेड है, ये ऐसे एक साइड से इसके साथ कनेक्टेड है, और दूसरी साइड से वो क्या है, इट इज कनेक्टेड विद ए बोन, जिसे हम कहते हैं स्टेप्स। ये स्टेप्स है जिसके साथ एक साइड से कनेक्टेड है, और दूसरी साइड से ये किससे कनेक्टेड है, विद मिडल ईयर के पास क्या है, टिम्पेनम, ठीक है, जिसे पर्दा कहते हैं हम कान का, थिन मेम्ब्रेन। और ये जो रेड कलर में आपको दिख रही है, दिस इज कॉलुमेला। देखो मिडल ईयर के पास कॉलुमेला है जो एक साइड से किसके साथ कनेक्ट है, इनके पास सिर्फ स्टेप्स ही होती है, मैलियस इंकस नहीं होती है, ये याद रखिएगा, इनके पास सिर्फ स्टेप्स है, स्टेप्स के साथ कनेक्टेड है, और दूसरी साइड से ये टिम्पेनम के साथ कनेक्टेड होती है। तो मिडल ईयर इज वेल डेवलप्ड, इंटरनल ईयर सेमी सर्कुलर डक्ट्स है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड सी बात है। तो यहां पर हमें जो टिम्पेनम है वो ये दिखाई दे रहा है, दिस इज द टिम्पेनम, ये टिम्पेनम यहां हम इस थॉरक्स रीजन में दिखा रहे हैं, दिस इज द थॉरक्स रीजन, और ये एब्डोमेन रीजन है, दिस इज द एब्डोमेन रीजन। तो जब हम फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे, मैं इसीलिए इसको नहीं लिया, ज्यादा इसको डिटेल में नहीं लेंगे, क्योंकि फ्रॉग तो पढ़ना ही है इसके बाद, तो फ्रॉग को डिटेल में लेना है तो वहां इसकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां फिलहाल इतना बहुत है, क्योंकि ये इसका सेंसरी सिस्टम है। अब चलते हैं हम इसके नर्वस सिस्टम की तरफ। तो नर्वस सिस्टम में याद रखिए 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, नर्वस सिस्टम के पास क्या है, 10 pairs of cranial nerves, 10 pairs of cranial nerves, ये present, clear है।
चलते हैं आगे लास्ट पॉइंट्स की तरफ। अब फिनिशिंग टच देते देते हैं, फिनिशिंग टच देना जरूरी है। अब आगे आ जाता है देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होगी मान के चलते हैं कि माने बिल्कुल, या तो ये क्लियर बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहां फर्टिलाइजेशन कैसी है? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है क्योंकि इनके पास किसी तरह का कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, तो दे आर बेसिकली दे फर्टिलाइज एग आउटसाइड। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड देन पेरेंटल केयर। देखिए ये चीज अब नहीं यहां पर आ रही है, पेरेंटल केयर इज देयर, दे केयर देयर एग्स लाइक सिकेलियंस, दे केयर देयर एग्स। उसके बाद दे आर पोकिलोथर्मिक मीन्स कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, दे मेंटेन देयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द आउटर इन्वायरमेंट। तो सिंपल से फटे हैं, ध्यान रखना है भाई एक एक चीज को ध्यान से बिल्कुल। और अगर हम यहां बात करें तो यहां डेवलपमेंट कैसी है, हम उसको अलग से लेंगे। डेवलपमेंट कैसी है, डेवलपमेंट देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में आ जाता है आपका, देखिए जब मैं इनडायरेक्ट कह रहा हूं तो इनडायरेक्ट में आपके आ जाते हैं दो तरह के लार्वा, एक तो टेडपोल फिश लाइक टेडपोल लार्वा, हम ऐसे लिखते हैं फिश लाइक टेडपोल लार्वा, रेस्पायर बाय गिल्स, और दूसरा इट इज एक्सोलोटल लार्वा। और ये एक्सोलोटल लार्वा कहां प्रेजेंट होता है याद रखिएगा, इट इज प्रेजेंट इन सेलमेंडार एंड दिस इज प्रेजेंट इन फ्रॉग्स, ये फ्रॉग्स में प्रेजेंट होता है। अब देखो दो टर्म्स जो आपको यहां याद रखनी है, सो दिस कंप्लीट्स योर, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में हमारे फ्रॉग्स आ जाते हैं, सेलमेंडार्स आ जाते हैं, सिकेलियंस आ जाते हैं, है ना, हाइला आ जाता है जिसे हम ट्री फ्रॉग कहते हैं, बुफो आ जाता है, बुल फ्रॉग कहते हैं, तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ना, न्यूएट्स आ जाते हैं, तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। लेकिन जब हम दो चीजें मैं आपको यहां जरूर बताना चाहता हूं, और वो दो चीजें क्या है, वन इज पेडोजेनेसिस, पीटोजेनेसिस एंड नियोटॉमी, जो बड़ी बार वन मार्क क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब पीडोजेनेसिस क्या है, देखो पीडोजेनेसिस की बात करते हैं, चलो पहले पीडोजेनेसिस क्या है कि अगर लार्वा अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को डेवलप कर लेता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू करते हैं इन इट्स लार्वल फॉर्म नॉट एडल्ट, ध्यान रखिए, इफ द लार्वा डेवलप्स सेक्सुअल करेक्टर्स इन इट्स लार्वल फॉर्म एंड स्टार्ट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज पीटोजेनेसिस। तो लेट अस राइट डाउन, इट डेवलप्स, लार्वा क्या करता है, डेवलप्स सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज पीडोजेनेसिस, इसे हम क्या कहेंगे, पीडोजेनेसिस। अब न्यूटोनी क्या है, न्यूटोनी क्या है कि अगर एक लार्वल फॉर्म के पास, इफ द लार
इफ द लार्वल करेक्टर्स आर प्रेजेंट इन सेक्सुअली मेच्योर इंडिविजुअल, थोड़ा सा है। तो देखिए, लेट अस राइट डाउन हेयर, हम नियोटोनी को लिख लेते हैं। चलो नियोटोनी को ऐसे ले लेते हैं। सो नियोटोनी क्या है? इफ द लार्वल करेक्टर्स persists in sexually mature individual, sexually mature individual है लेकिन larval forms, larval characters अभी भी हैं, it is known as neoteny। तो best example है इसकी axolotl larva, ये ध्यान रखिएगा, ये axolotl larva की specialty है कि वो पीडोजेनेसिस शो करता है, लार्वल फॉर्म में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं, और अगर देखा जाए तो सेक्सुअली मैच्योर ऑर्गेनिज्म में लार्वल करेक्टर्स अपीयर होते हैं, अभी रहते हैं, लार्वा फॉर्म में ही अगर देखा जाए तो वो अभी सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है लेकिन लार्वल करेक्टर्स अभी भी हैं उसके पास। फिश लाइक एक्सोलोटल लार्वा है, उसके पास कॉडल फिन है ना, टेल पे कॉडल फिन होता है इसके, तो वो कॉडल फिन है, दैट इज नोन एज नियोटोनी। तो दोनों में फर्क है, दोनों की डेफिनेशंस में फर्क है, कहीं ना कहीं एक चीज सेम ही कह रहे हैं, तो दोनों एक्सोलोटल लार्वा के ऊपर बिल्कुल सही बैठती है। तो आई होप आपको ये क्लास भी समझ आई होगी। एम्फीबियंस हमने काफी, मैं कोशिश करता हूं कि ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से हो जाए ताकि आपको कोई कमी ना रहे। So I hope you understand the lecture. Do like and subscribe. Thank you. Thank you very much.